डाउन। कई दिनों से हमारी मांग है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नोटबंदी के, नो नो यू कैन डू दिस, नोटबंदी के निर्णय के बाद 100 से ज्यादा किसान, औरतें, मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान भाई बैठ जाइए, क्यों आप जान दे चुके रहे हैं। और हम चाहते थे, हम चाहते थे कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आप बैठ जाइए, लेकिन सरकार ने, देखिए आप बैठ जाइए, से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इनकार किया। और यही कारण है कि आज अपोजिशन के लोकसभा और राज्यसभा के तकरीबन 150 से ज्यादा एमपीज ने और 16 राजनीतिक दलों ने विपक्ष के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने ब्लैक डे मनाया। और उन 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए, इस सरकार के लिए, इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि पहली दफा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर देती इस सदन के अंदर। जो एक 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 सबसे ज्यादा शहीद हो गए और आप उनके जख्मों पर नमक छिड़ रहे हो और बता रहे हो कि हिंदुस्तान में सब कुछ क्या ठीक चल रहा, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और आप कह रहे ठीक चल रहा, लोगों के पास पैसा नहीं और आप कहते पैसा है। इसलिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जख्मों पर आप नमक छिड़ रहे हैं। यह राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसला किया है, देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत देने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला किया है। काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी की जो चर्चा होती थी उसे समाप्त करने के लिए यह फैसला किया है।